जस मानक टॉकिंग अबाउट हिज न्यू अपकमिंग एल्बम, इसके बारे में जस मानक ने कुछ हिंट दिया एंड बात भी किया, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सो लेट्स फॉर वीडियो, चैनल सब्सक्राइब नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, थैंक यू। सो जैसे कि आपको पता होगा कि जस मानक का जो अपकमिंग एल्बम है वो पोस्टपोन हो चुकी है, उसकी जगह करण धावा की जो एल्बम है उसका अनाउंस कर दिया गया एंड उसमें बहुत से जो जस मानक के फैंस थे उसको बहुत ही सैड फील हो रहा था एंड उससे ज़्यादा तो जस मानक को फील हो रहा है। एंड ऐसा करके जस मानक ने एक स्टोरी शेयर की है जो कि आपको खुश कर देगा, हैप्पी रख देगा। सो इसके बारे में बात करने वाला है, यानी कि आप ये भी समझ सकते हैं कि जस मानक ने अपने एल्बम के बारे में कुछ बातें की है। सो चलो वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ मैं। जस मानक ने स्टोरी डालते हुए लिखा, आई एम टॉकिंग टाइम फॉर गुड म्यूजिक, यू नो बिग थिंग्स टेक टाइम सो स्टार ट्यून्स। इसका मतलब यह है मैं अच्छे संगीत के लिए समय निकाल रहा हूँ, आप जानते हैं कि बड़ी चीज़ें समय लेती है, इसलिए बने रहें। सो जस मानक ने बता दी कि उनकी एल्बम क्यों पोस्टपोन हुई एंड जस मानक कुछ बड़ा करने वाला है एंड बड़ी कोलैबोरेशन होने वाली है, इसलिए जस मानक का जो एल्बम है वो अभी तक नहीं आया एंड हमको डैम्स और के अच्छे अच्छे कोलैब देखने को मिलेगा। एंड जस मानक ने तो बता दिया कि बहुत ही बड़ा चीज़ होने वाला है, इसलिए समय लग रही है। सो यही कारण है कि जस मानक का जो एल्बम है वो अभी पोस्टपोन किया गया था, बाकी 1 से 2 मंथ या फिर 3 मंथ हम रुकते हैं फिर जस मानक का खुद का एल्बम आ जाएगा। सो उसके लिए आप भी रेडी रहना एंड बाकी तो करण धावा का एल्बम अगस्त में रिलीज होने वाली है, उससे आप उसका जो एल्बम उसको एंजॉय करो, फिर तो जस मानक का एल्बम है वो हमको जल्दी देखने को मिल जाएगा। सो बी रेडी एंड जस मानक के एल्बम पे बड़े बड़े कोलाब्रेशन देखने को मिलेगा, सो बी रेडी। बाकी जस मानक ने ऐसी कुछ बातें अपने एल्बम के रिलेटेड बोली है, सो आप समझ सकते हो कि जस मानक का कुछ बड़ा आने वाला है। सो थैंक यू सो मच, एंड अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।